Hello everyone. So in today's class we are going to learn about networking concepts. Okay, this is a part one of networking concept. In this we are going to learn about computer network, need for computer networks, advantages of computer network and network terminologies. These four topics we are going to cover here. So introduction. Computer network have shrunk the world and brought people together. They have extended the power of a computer beyond the expanse of a room. So we can connect with anybody with like sitting on a single room as well. So they just expand the room. Instead of just sitting a room and communicating with the person who is present in your room, we can communicate with anybody with the help of computer networks. Advancements in networking techniques, protocols and so on have made a profound impact in area of communication and learning. There are much advancements in networking techniques. There are many techniques which enhance networking. There are protocols. Protocols means set of rules to use those networks and so on have a profound impact in areas of communication and learning. There are many advantages also of networking, such as we can efficiently use storage media, preserving information, efficiency, redundancy. So these are some advantages also. The size of a computer network may vary. Okay, it can vary. The internet is an example of computer network that speeds all across the world, that spreads across all the worlds. Okay. तो जो इंटरनेट है कंप्यूटर नेटवर्क में वो पूरी ही वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है, स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यू कैन कनेक्ट विद एनीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल. एंड द इंटरनेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट. सो इंटरनेट को हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, पूरे ही वर्ल्ड में ये नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चों. इट इज ईजी टू यूज हमारे लिए भी और आपको कुछ भी लाइक यूज करना हो तो आप इजिली यूज कर सकते हो नेटवर्किंग. देन कंप्यूटर नेटवर्क. तो अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर. ये एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर से बनता है कंप्यूटर नेटवर्क. ये लिंक करता है इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेस. एक चीज से आप जैसे आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं, आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया, सो वो क्या बना देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बना देंगे लिंक करने के बाद. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज को, जैसे कि प्रिंटर है उसको एक्सचेंज कर सकते हो फाइल और अलाउ कम्युनिकेशन, ठीक है. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. आफ्टर दैट व्हाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क. सो नाउ अ डेज कंप्यूटर नेटवर्क्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज रिसोर्स शेयरिंग. आपको अगर कोई भी रिसोर्स शेयर करना है तो उसके लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर सकते हो. सो ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज, जैसे प्रिंटर है, फैक्स मशीन्स, मॉडर्न स्कैनर्स, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. एंड इट्स आफ्टर दैट दे आर ईजी टू यूज एज. After that, we have ease of communication. So, computer networks allow people to communicate through emails, instant messaging facilities, and this makes the transmission of information easier, more efficient, and less expensive. Computer network क्या कहते हैं? Allow करते हैं people को emails भेजने के लिए. बहुत आसानी से communication हो जाती है और transmit भी बहुत easily हो जाता है और बहुत effective भी है और आपके उतने पैसे भी नहीं लगते, right? अगर आप ईमेल एक फ्री सर्विस है बच्चों एंड इजी टू कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ये लिस्ट आउट है. फर्स्ट है हेल्प इन कम्युनिकेशन. ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए. हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन, हार्डवेयर की कॉस्ट रिड्यूस करता है. इंफॉर्मेशन स्टोरेज, हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. डेटा बैकअप, डेटा बैकअप आप इसके थ्रू ले सकते हो. यू नीड नॉट टू यूज अनदर अल्टरनेटिव और एनीथिंग. देन डेटा सिक्योरिटी,
आपके डेटा को भी सिक्योर करता है एंड कॉस्ट रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन. इतना लाइक अगर आप किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए कॉस्ट की जरूरत होगी ना, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए किस तरह हेल्प करते हैं, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, इजी टू कम्युनिकेशन, राइट. हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन, हार्डवेयर इतने हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इजीली यूज कर सकते हो अवेलेबल हार्डवेयर से भी. इंफॉर्मेशन, आप इजीली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, शेयर्ड कंप्यूटर्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, और इजीली आपको मिल भी जाए. डेटा बैकअप्स आप रख सकते हो इसके थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू. जब आप बहुत सारे नोड से कनेक्ट होंगे, आप बैकअप बना सकते हो. ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये आपको अपने डेटा की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंस्टॉलेशन रिडक्शन है, किसी भी चीज को इंस्टॉल करते हो बच्चों, उसमें कॉस्ट लगती है, पर इसमें आपको उतनी कॉस्ट नहीं देनी होती. सो इट्स कॉस्ट रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन इज. देन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, तो सर्वर और होस्ट कंप्यूटर, सर्वर बोल सकते हो या होस्ट भी बोल सकते हो. ऐसे कंप्यूटर जो कंट्रोल करते हैं एक्सेस ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, सर्वर और होस्ट सेम ही चीजें, सिमिलर है. ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपका एक्सेस जो भी आपका हार्डवेयर से होता है या सॉफ्टवेयर से होता है नेटवर्क का. उसके बाद क्लाइंट, इट इज द कंप्यूटर विच डिपेंड अपॉन द सर्वर फॉर ऑल रिसोर्सेज. ये कंप्यूटर होता है जो डिपेंड करता है सारे रिसोर्सेज पे. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेनली बच्चों दो ही टर्म यूज की जाती है, सर्वर एंड क्लाइंट. ठीक है, सर्वर्स जो एक्सेस कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, क्लाइंट ये करते हैं वो डिपेंड करते हैं सर्वर पे सारे रिसोर्सेस के लिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू ये सर्वर से कनेक्टेड है. ठीक है, सो ये चीजें हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है या लिंक होता है, शेयरिंग पर्पस के लिए या हार्डवेयर रिसोर्स के लिए. और उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, इजी टू कम्युनिकेशन, राइट, एंड रिडंडेंसी. ओके, दीज आर द थिंग्स. सर्वर इज ऑल्सो नोन एज होस्ट कंप्यूटर, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में, राइट. थ्रू सर्वर एंड क्लाइंट, सर्वर एंड क्लाइंट्स ये भी अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो हमने कवर करी इजीली. ये हमारे थ्री टॉपिक्स जो है वहां पे कवर हो गए. सो आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.